रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर था इंटरनेशनल बिजनेस का, उसकी हम लोग आज सेकंड वीडियो में हैं। ये वीडियो असल में पहले वाले लेक्चर की फॉलो अप है, उसको भी एक नज़र हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा चैप्टर था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम शुरू किया था। ये चैप्टर हमारा 3 वीडियो में होगा। पहली वीडियो हमारे हम लोग कर चुके हैं, आज इस चैप्टर की हमारी दूसरी वीडियो है। और इसमें जो पहली वीडियो में काम कर चुके हैं, उसमें ये वाला काम था हमारा कि फर्म को जो है, जो लोकल फर्म है जब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस के लिए जाएगी तो कौन से डिसीजन से उसको गुजरना पड़ेगा। उसमें 4 बड़े डिसीजन थे। नंबर 1 पे जो था कि कौन सी मार्केट में एंट्री लेनी है और वो एंट्री कब लेनी है, टाइमिंग ऑफ एंट्री यानी कि दूसरा किस स्केल पे लेनी है और कौन से मोड से लेनी है। 4 डिसीजन थे जो उसको करने पड़ने थे, ये हमने किए थे। और उसके बाद हमने चॉइस ऑफ मोड ऑफ एंट्री के बारे में भी बात किया था, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल मार्केट्स की भी बात की थी। आज जो हम लोग काम करेंगे वो हमारा जो है इसी चीज के हवाले से है, जो हमारे जो 3 डिसीजन है। देखें हमारे टोटल 4 डिसीजन है जो हमने करने हैं, जो यहाँ पे पहले वाले स्लाइड में मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये 4 डिसीजन है जो किसी फर्म को करने होते हैं। 4 डिसीजन आज की जो हमारी वीडियो इन पहले 3 डिसीजन पे है। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी हमारी वो चौथे डिसीजन पे होगी। हम लोग अपने पहले वाले डिसीजन की तरफ आते हैं। वो डिसीजन क्या है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई जी, इसमें आ गए हम लोग जी। ये है कि फर्म को जो है कौन सी इकोनॉमी में, कौन से कंट्री में, कौन सी मार्केट में एंट्री लेनी है, ठीक है। और उसमें हम लोग बात कर चुके हैं कि ऐसी मार्केट में एंट्री लेनी है जो डिजायरेबल मार्केट हो और जो प्रॉफिटेबल मार्केट्स हो। ऐसी मार्केट में एंट्री नहीं लेनी जो अनडिजायरेबल मार्केट हो। तो इसमें बात ये होती है कि जी कब एंट्री लेनी है। एंट्री तो लेनी है, ठीक है, कौन सी मार्केट में लेनी है, डिजायरेबल मार्केट में लेनी है, लेकिन कब लेनी है एंट्री उसकी तरफ हम लोग आते हैं जी। इसमें 2 तरह की एंट्रीज होती हैं क्लास। एक होती है फर्स्ट मूवर एंट्री और एक होती है सेकेंड मूवर एंट्री। ये जो 2 तरह की इसमें एंट्रीज होती हैं, फर्स्ट मूवर और सेकेंड मूवर। क्लास ये फर्स्ट मूवर और सेकेंड मूवर का मतलब क्या है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें जो उसके बारे में चीजें हमें मिल जाती हैं। क्लास पाकिस्तान में मोबिलिंक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है, आपके सामने है। इससे पहले और भी फर्म्स ने एंट्री ली पाकिस्तान में टेलीकॉम के सेक्टर में। जो सबसे पहले जो आए इंस्टाफोन था और दूसरा था इसमें पाकटेल था, जिन्होंने जो पाकिस्तान में जब एंट्री ली तो एम्स टेक्नोलॉजी के जरिए एंट्री ली। फर्स्ट मूवर थे पाकिस्तान में मोबाइल के यूज में, उससे पहले लैंडलाइन होता था। जब इन्होंने एंट्री ली मार्केट में, इनको बहुत ज्यादा वेलकम किया गया पाकिस्तान के मार्केट में। ये बिल्कुल एक नया नया था, बहुत सारा इसको वेलकम बोला गया कि, और इनके कनेक्शन बड़े महंगे होते थे। एम्स टेक्नोलॉजी ये होती है कि उसमें सिम नहीं होती बल्कि कनेक्शन होता है, जो मोबाइल सेट होता था उसी के नंबर को जब वो फोन कंपनी अपने पास एंटर कर लेती थी तो उसके सिग्नल उस कनेक्शन पे आना शुरू हो जाते थे, तो उसमें सिम की जरूरत नहीं होती थी। इसको एम्स टेक्नोलॉजी कहते थे। तो वो बड़े बड़े सेट होते थे काफी, और उसपे बाज पे वो एंटीना सभी लगा होता था ताकि उसका कनेक्शन बना रहे। तो ये वाला सिस्टम होता था। इन्होंने अच्छा बिजनेस लिया इंस्टा ने, और उसके बाद जो दूसरी कंपनी थी पाकटेल ने। इसी दौरान जो है कुछ अर्सा गुजरा, एम्स टेक्नोलॉजी के जो डीमेरिट्स थे वो सामने आना शुरू हुए, और इसी टेलीकॉम सेक्टर में एक नई टेक्नोलॉजी की एंट्री हुई जो थी सिम की एंट्री, जिसने पोर्टेबिलिटी दी, कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान बना दी। तो हुआ फिर क्या कि मोबिलिंक ने, जैज ने, जीएसएम जो है उसके पायनियर बने और उसको इंट्रोड्यूस पाकिस्तान के मार्केट में करवा दिया। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर में पहले 2 कंपनी जो थी वो पायनियर थी, लेकिन वो अपने आप को सस्टेन नहीं रख सकी। लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि अपने आप को आगे जाके सस्टेन रखकर बड़ा मार्केट शेयर लेती, लेकिन उन्होंने सस्टेनेबिलिटी नहीं दी उसमें। हुआ क्या कि जीएसएम टेक्नोलॉजी में
मोबिलिंक ने पाकिस्तान में फर्स्ट मूवर बने, और वो जब फर्स्ट मूवर बने तो उनका जो कनेक्शन होता था उस वक्त जब ये पाकिस्तान में इसकी एंट्री आई, आई थिंक इट वाज 2001 राउंड अबाउट ईयर था जब इन्होंने पाकिस्तान में जीएसएम में मोबिलिंक ने एंट्री ली, 2000 or 2001 जब इन्होंने एंट्री ली। सिम का जो कनेक्शन होता था बड़े हजारों रुपए में बड़ा महंगा होता था, आजकल तो तकरीबन फ्री के करीब ये कनेक्शन है। उसके अलावा इनके रोमिंग चार्जेस होते थे, यानी कि आपने अगर लाहौर की सिम आपकी है तो आप फैसलाबाद जाते हैं तो आपको चार्जेस पड़ना शुरू हो जाते थे। पैकेजेस वाली तो बात ही कोई नहीं थी कि जी इस टाइम की ये पैकेजेस और ये इस तरीके से ऑन नेट पैकेजेस ऑफ नेट पैकेजेस, वो तो चक्कर ही कोई नहीं था। और उस वक्त जो कार्ड था जो उसमें लोड किया जाता था वो 600 रुपए वाला कार्ड होता था। काफी अरसे बाद जैस जूनियर के नाम से 300 रुपए वाला इंट्रोड्यूस हुआ। आप लोग सुन के हैरान हो रहे होंगे कि सर ये कौन से दौर की बातें कर रहे हैं, ये वाकई ये हम बात कर रहे हैं जो टेलीकॉम सेक्टर का पाकिस्तान में जीएसएम टेक्नोलॉजी जो आई है उसकी बात हो रही है। तो जीएसएम में मोबिलिंक पायनियर था, फर्स्ट एंट्री था, बहुत सारे उसने रिस्क अज्यूम किए और बहुत सारे उसको फायदे भी हुए। फर्स्ट मूवर जो है उसको बहुत सारे फायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, उसको रिस्क भी होते हैं, उसको बेनिफिट्स भी होते हैं। उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, उसकी तरफ हम लोग आते हैं। जी, फर्स्ट मूवर के जो फायदे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बनता है। आज तक देखें स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम इनका है, सबसे ज्यादा जो इस वक्त भी कस्टमर हैं वो जैज मोबिलिंग के हैं। हालांकि पैकेजेस दूसरी कंपनीज उससे ज्यादा सस्ते दे रही हैं, लेकिन इसके कस्टमर, इसका सेल्स वॉल्यूम उनसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मूवर वाला बेनिफिट, जो लोगों ने शुरू की जीएसएम सिम ली हुई है वो कनेक्शन है वो लोगों के पास गए हुए, उसी के वो लॉयल्टी के तहत ये मेंटेन रख रहे हैं और चले आ रहे हैं, और वही वो उनका फिर आगे चला आ रहा है, वो फर्स्ट मूवर वाला बेनिफिट। एक्सपीरियंस कर्व उनकी बनती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बनता है। एक्सपीरियंस कर्व क्या होती है? एक्सपीरियंस कर्व प्लस कोई चीज आप बनाने की तरफ आए, पहली दफा बनाएंगे तो हो सकता है आप उसको आधे घंटे में बनाएं और उस पर आपके 50 रुपए लगे। जब उसी चीज को आप 10वीं मरतबा बनाएंगे तो हो सकता है आप 25 मिनट में बनाएं और उस पर आपकी कॉस्ट 40 रुपए आए। इसको एक्सपीरियंस कर्व कहते हैं कि एक काम को बार बार करने से आपकी जो वेस्ट है वो भी कम हो जाती है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और आपके जो उसमें टाइम लेने के टाइम टू प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। इसको एक्सपीरियंस कर्व कहते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस कर्व इनकी ज्यादा होती है उनकी जो सेकंड मूवर होते हैं, जो सबसेकंड मूवर होते हैं। ये फायदे हैं इसके। उसके अलावा जो ये स्विचिंग कॉस्ट जो है ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जिसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन इनके पास ज्यादा रहती है। अब स्विचिंग कॉस्ट से मतलब क्या? आपने देखा होगा कि जी ऑन नेट मिनट्स जी इतने ज्यादा सारे, और जिस तरीके से आप अपना सर्कल बना सकते हैं इसी ऑन नेट में 4 लोगों का 5 लोगों का। आप अगर ये सोचते हैं जी कि मैं इस नेटवर्क को छोड़ के किसी और नेटवर्क में चला जाऊं, तो आप अपने जहन में एक चीज लेकर आओगे कि मेरे वो सर्कल में जो 4-5 लोग हैं या जो मेरे ऑन नेट मिनट्स होते हैं और ज्यादा जो मेरे हल्का अहबाब में मेरे दोस्तों में, वो इस ऑपरेटर के ही हैं, जिस जो पुराने वाले के हैं। अगर मैं चेंज करके किसी और ऑपरेटर के मैं अपने सिम को लेकर जाता हूँ, कनेक्शन को लेकर जाता हूँ, तो मुझे जो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये स्विचिंग कॉस्ट है। तो स्विचिंग कॉस्ट जो है इसको जो है वो एड्रेस किया जा सकता है, किया जाता है। जो फर्स्ट मूवर होते हैं वो शुरू से ही अगर इस तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजी बना लें कि कस्टमर के रिटेंशन के लिए स्विचिंग कॉस्ट को ज्यादा कर दें तो उनके कस्टमर्स की रिटेंशन बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट मूवर के फायदे हैं। फर्स्ट मूवर के नुकसान भी है। फर्स्ट मूवर के क्या नुकसान है? नंबर एक पे उसका नुकसान जो आ रहा है कि वो नए मुल्क में जा रहा होता है, एक नए इकोनॉमी में जा रहा होता है, नए कंट्री में जा रहा होता है, और नया सिनेरियो होता है उस मार्केट में, पता नहीं उस प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती, तो उसकी वजह से उसको बड़े नुकसान की तरफ जाना पड़ता। हो सकता है उसका बिजनेस फेलियर हो जाए। पानियर कॉस्ट शुरू की देखे ना, उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लगाया, उसके इंस्टॉलेशन के हवाले से ट्रेंड लोग उसको अरेंज करने पड़े, मंगवाने पड़े, इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसकी ज्यादा बनी, और फिर उस प्रोडक्ट को उस मार्केट में एक्सेप्ट ना किया गया तो उसकी बिजनेस फेलियर की कॉस्ट, ये एक कॉस्ट इसमें राइज हो जाती है। और उसके अलावा उस प्रो देखिए उस इकोनॉमी के अंदर मोबाइल के यूज के बारे में अवेयरनेस देना, फिर जीएसएम के बारे में अवेयरनेस देना, कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे फंक्शनिंग करती है, इसके लिए ढेर प्रोमोशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो जीएसएम के हवाले से है सारी।
अब जो ये पायनियर जो होता है, फर्स्ट मूवर होता है, ये कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ती है, क्योंकि जो सबसिक्वेंट मूवर होंगे वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग द टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग द दैट सेम टेक्नोलॉजी वो नहीं होगी उनकी, क्योंकि लोगों को पता होगा जीएसएम की जो सिम है उसको कैसे डील किया जाता है। तो ये फर्स्ट मूवर के नुकसान आते हैं जो पायनियर कॉस्ट के रिलेटेड हैं। तो उसके अलावा हम लोग जब नेक्स्ट में आते हैं स्केल ऑफ एंट्री, स्केल ऑफ एंट्री में भी दो तरह की एंट्रीज होती हैं। एक जो उसमें होती है जी के स्केल वाइज एंट्री हो जाती है, जैसे मतलब पहले लेवल पे जी हमने चार लेवल पे एंट्री लेनी है, चार स्केल पे एंट्री लेनी है। वो कैसे जी? पहले लेवल पे हमने लेनी है कि पाकिस्तान के सिर्फ बड़े जो शहर हैं उनमें लेनी है, मतलब उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उसके अलावा जो है जो क्वेटा है, पेशावर है, इनमें लेनी है। दूसरे में जाकर फिर जो दूसरे और शहर हैं, सिटीज हैं, उनमें लेनी है, जिसमें सियालकोट है, जिसमें फैसलाबाद है, जिसमें गुजरांवाला है, जिसमें गुजरात है, जिसमें सिब्बी, सुवाबी, इस तरीके से। तीसरे लेवल में जाके हमने बिल्कुल छोटे शहरों में लेनी है, जैसे मंडी बाहुद्दीन है, जैसे पत्तों की है, जैसे मुरीद के है, जैसे मेलसी है, जैसे चीचावतनी है, चिश्तियाँ है, इस तरीके से। और चौथे स्टेप में जाके हमने जो है वो छोटे टाउनों में एंट्री लेनी। और आखिरी लेवल एक ये भी हो सकता है कि छोटे कस्बों में, देहातों में सबसे आखिरी लेवल पे जाया जाए। तो पहले लेवल पे एंट्री ले ली, पहले लेवल के एक्सपीरियंस से सीखते हुए दूसरे में एंट्री डाली, ये बड़े फायदे वाली है। स्टेज वाइज या स्केल वाइज एंट्री में जाए ना, इसमें बड़ा फायदा है। इसमें जो इससे पहले हमने पढ़ा ना बिजनेस फेलियर कॉस्ट है, वो इसमें मैनेज हो सकती है। आपने बिजनेस की अगर एक ही दफा दूसरी कॉस्ट डालते हैं जो दूसरे में इसमें आ रहा है स्केल ऑफ एंट्री में, जो दूसरा ना स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट, स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट ये होती है कि आप सारी इन्वेस्टमेंट एक ही मरतबा डाल दे, पूरे पाकिस्तान में एक ही मरतबा अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट डाल दे। एक ये मोड है, अगर बिजनेस फेलियर हो तो सारे के सारे पैसे गए। दूसरा है कि नहीं, आप स्केल वाइज जाए, पहले एक छोटे स्केल पे जाए, उस पर आपके करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अगर बिजनेस फेलियर होता है तो वहीं पे सिर्फ आपका रिकवरी और वापसी हो जाएगी और इतना ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये दो मोड जो आपको बता रहे हैं कि एक जो है स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट पूरे पाकिस्तान में एक ही लेवल पे एंट्री, और दूसरे स्टेजेस के हिसाब से, स्केल के हिसाब से। तो स्केल के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी, आपकी एक्सपीरियंस कर्व भी बेटर बनेगी। तो ये दोनों में है। तो अब ये दोनों के हिसाब से जो है आपने देखना है कि कौन से वाला आपको सूट करता है। नॉर्मली जो बिजनेस के लिए रिकमेंड किया जाता है, जो सूटेबल है, वो पहले वाला ही है जिसमें स्केल वाइज, स्टेज वाइज, फेज वाइज एंट्री ली जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कि जो अब तीनों चीजें हो गई, कौन से मार्केट में एंट्री लेनी है, कब एंट्री लेनी है, फर्स्ट मूवर सेकेंड मूवर हो, किस स्केल पे लेनी है, ये तीनों चीजें इसमें हमारी डील हो गई है। तीनों की तीनों चीजों में इसमें हमारी डील हो गई है। अब चौथी जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इन तीन चीजों के हवाले से कि कौन सी मार्केट में, कब और कौन से स्केल पे। ठीक है जी, अब ये तीन डिसीजन हो गए। अब इन तीन डिसीजन के बाद जो है हम जो एंट्री ले लेते हैं, तो हम कहेंगे जी कि हम एब्सोल्यूट एंट्री ले रहे हैं, हम सब चीजें ऑप्टिमल लेवल पे हमको मिल रही है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऑप्टिमल मॉडल जो है वो बहुत कम होता है, थ्योरी में एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, इन तीनों जगह पर, बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत सारी कॉस्ट को ज्यूम करना पड़ता है, देन उसके बाद आपको जो है वे फॉरवर्ड और गो फॉरवर्ड लेना पड़ता है। तो ये आज हमने जो काम किया है, आज हमने टोटल जो काम किए हैं वो तीन काम किए हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर एक पे कौन सी मार्केट में एंट्री लेनी है उसको देख लेते हैं हम लोग जी। Which foreign market to serve? इसकी तरफ आते हैं। कौन पहला डिसीजन, कौन सी मार्केट, ऐसी मार्केट जो आपके लिए फेवरेबल है, फेवरेबल मार्केट जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी सिस्टम होता है, जहाँ पे इन्फ्लेशन कम होता है, जहाँ पे लोग ज्यादा अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और लेस डिजायरेबल मार्केट कौन सी होंगी, जो ऊपर वालों की रिवर्स होंगी, जो अनस्टेबल मार्केट होती है, जहाँ पे मिक्स कमांड होती है, स्टेट विद इन स्टेट या डिफरेंट पावर सेंटर्स होते हैं, जिसमें एक्सेसिव लेवल ऑफ बॉर्विंग होती है, लोग अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना, लगाना जो है वो प्रीफर नहीं करते। और उसके अलावा जो है जो उसमें गैप बताया गया कि कौन सी मार्केट जो है वो बेटर रहती है, ऊपर वाला डिसीजन है। सो है बिजनेस गैप भी देखना चाहिए कि कहाँ पे आपके मार्केट के डिमांड मौजूद है। तो पहले लेवल पे हमने ये किया है कि कौन सी मार्केट में एंट्री लेनी है। नंबर दो पे हमने किया कि कौन सी टाइमिंग ऑफ एंट्री है। टाइमिंग ऑफ एंट्री दो तरह की है, एक फर्स्ट मूवर है, दूसरा सबसिक्वेंट मूवर है। फर्स्ट मूवर के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं।
सेकंड मूवर के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। सेकंड मूवर के देखें, उसको बहुत सारे फायदे हैं। सेकंड मूवर को क्या, उसकी कास्ट ऑफ जो है वो प्रमोशन नहीं होती है, कास्ट ऑफ प्रमोशन, कास्ट ऑफ प्रमोटिंग द बिजनेस नहीं होती, जो यहाँ पे देखिए बताई गई है। बिजनेस फेलियर की कॉस्ट का उसको डील नहीं करना, पायनियर कॉस्ट बच जाती है। ये सब्सिक्वेंट मूवर के फायदे हैं और फर्स्ट मूवर के नुकसान है। ये वाले फर्स्ट मूवर के ये नुकसान है और सेकंड मूवर के ये फायदे हैं। लेकिन सेकंड मूवर के नुकसान भी हैं, कौन से, जो फर्स्ट मूवर के फायदे हैं वो कौन से, कि बड़ा उसको 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 जो फायदे होते हैं वो यहाँ पे देखिएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बनता है, सबसिक्वेंट मूवर का नहीं बन पाता, फर्स्ट मूवर का बनेगा। सेल्स वॉल्यूम ज्यादा मेंटेन सस्टेन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कब अच्छी हो सकती है, जो सेकंड मूवर की सबसिक्वेंट मूवर की जो है वो चीजें नहीं हो सकती। स्विचिंग कॉस्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, दूसरे वाले जो है वो लेसर जो है वो पोजीशन में होते हैं इन चीजों को करने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने आज का जो लास्ट किया है कि किस स्केल पे एंट्री लेनी है। दो तरह के स्केल ऑफ एंट्री है, फेज वाइज या स्ट्रेटजिक कमिटमेंट। स्ट्रेटजिक कमिटमेंट मीन सारी इन्वेस्टमेंट सारी मार्केट में एक ही मरतबा डाल दीजिए अरब डॉलर की, और फिर जो है उसका रिजल्ट देखा जाए कि फर्स्ट मूवर हो तो क्या बनेगा। फर्स्ट मूवर में तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है इस काम में, सेकंड मूवर हो तो फिर भी रिस्क है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं डाली जाती है एक मरतबा, और जो लोकल मार्केट को समझते हुए इन्वेस्टमेंट डाली जाती है। अब ये देखें, जो मोबिलिंक भी जब पाकिस्तान में आया, जो और ढेर सारे बैंक्स भी आए, वो भी शुरू में बड़े शहरों में आए, फिर छोटे शहरों में, फिर से छोटे यूनिट में, इस तरीके से फेज वाइज गए हैं और अपने बड़े पहले वाले बड़े शहरों के एक्सपीरियंस सीखते हुए फिर नेक्स्ट में जब इन्वेस्टमेंट डाली है तो उसमें वो ज्यादा बेटर पोजिशन में रहे हैं। तो आज जो है हम लोग अपना काम यहीं पे कम्प्लीट करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज जो हमने काम किया है, ये काम जो हमारा एंट्री स्ट्रेटेजी थी उसकी दूसरी वीडियो थी, जो टोटल तीन वीडियो है, उसमें जो तीसरी वीडियो है उसमें एंट्री स्ट्रेटेजी के जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।